नमस्कार, मेरा नाम कावेन चौहान है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का ये टुकड़ी सेक्शन। बिहार के पूर्णिया जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ ने महादलित बस्ती में आग लगा दी। आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। इसके साथ ही एक शख्स की पीट पीट कर हत्या भी कर दी गई। गाँव में बने तनाव के हालातों को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। घटना के बाद से ही बीजेपी और आरजेडी आमने सामने है। बीजेपी ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है, तो वहीं आरजेडी ने नीतीश सरकार को कटघरे में लिया है। घटना को सांप्रदायिकता के एंगल से भी देखा जा रहा है, जिसके चलते कई हिंदूवादी संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। पूरी घटना क्या है? दरअसल महादलित बस्ती के लोगों के पास के ही गांव के कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने बीच में आकर मामले को शांत करवा दिया था। रात करीब 11:30 बजे आसपास के गांव से इकट्ठा हुए संप्रदाय विशेष के लोगों ने, लगभग जो कि 250 की संख्या में रहे होंगे, बस्ती को घेर लिया। ये लोग हाथ में पेट्रोल का गैलन लिए थे। इन लोगों ने पेट्रोल डालकर घरों में आग लगा दी। इन लोगों ने बाहर घरों से निकलते हुए लोग, जो कि जल भी चुके थे कई लोग उनमें से, उन पर भी हमले किए। साथ ही वहां एक चौकीदार की पीट पीट कर हत्या भी कर दी। एक अन्य चौकीदार ने बताया है कि भीड़ संप्रदाय विशेष की थी और इस पूरी घटना के चलते एक की मौत, तो वहीं 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। संप्रदाय विशेष का घटना में शामिल होना ज्ञात होते ही हिंदूवादी संगठन फ्रंट पर आ गए। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है, तो बीजेपी ने कहा है कि 200 मुसलमानों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इनकी गिरफ्तारी जल्द की जाए। वहीं आरजेडी ने इस हिंसा को लेकर नीतीश कुमार को घेरा है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस घटना पर संप्रदाय विशेष का शामिल होना गलत बताया है। उन्होंने इस जानकारी को भ्रामक बताया है। प्रशासन का कहना है कि दोनों ही पक्ष स्थानीय निवासी हैं। उनके मुताबिक 19 मई की रात वाईसी थाना के खपड़ा पंचायत के मझुआ गांव में ये पूरी घटना हुई। 20 मई को 3 FIR दर्ज की गई हैं। मामले में अभी तक 2 नामजद लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कई पार्टियों के नेताओं ने भी घटनास्थल का दौरा किया, वहां पीड़ितों से बात की और जिला प्रशासन को इस पूरी घटना के लिए दोषी ठहराया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देखते रहिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।